बट मैं जिन लोगों को पहले से जानता हूँ उनमें से मुझे कुछ लोग स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं आज। वो हंस रहे हैं बट हंसी पूरे अंदर से नहीं आ रही है। और मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, आपकी मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। और से ट्रेनर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं? और भी आने चाहिए? मैं तो सबको देखना चाहूंगा। मेरी किस्मत का और मेरी मेहनत का कोई नहीं छीन सकता। ओके, सो हम लोग एक ही काम करेंगे पूरे दिन ऑफिस में। हाउ टू बी हैप्पी, कोई स्किल नहीं, खुश कैसे रहना है। बिजनेस हमारे खुशी का एक्सटेंशन है। डीलर कहेगा यार इस बंदे को इसलिए बुला, ये मुझे खुशी देके जाता है। क्या कपूर साहब? इस बंदे को इसलिए बुला, ये मुझे खुशी देके जाता है, इसके साथ बैठने का मन करता है। बाकी तो प्रोफेशनल्स है, ये दिल की बात सुनता है, खुशी देता है। तो मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आपको 24 घंटे एक ही मंत्र कहना है, आई हाउ आर यू, आई एम हैप्पी। रिपीट करें, आई एम हैप्पी। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। दूध के ग्लास में जहर की एक बूंद काफी है पूरे दूध को खराब करने के लिए। पॉजिटिव माइंड में एक नेगेटिव थॉट और डाउट वाली थॉट काफी है पूरे माइंड को स्पॉइल करने के लिए। पूरे दिन आम अच्छी बात की मान लो, शाम को माइंड में कुछ ऐसा किसी ने डाल दिया, और माइंड नेगेटिव चीज को जल्दी अंदर डालता है, राइट? पॉजिटिव चीज को नहीं डालता है। अगर आपको किसी को कंफ्यूज करना हो, क्योंकि मैं सेल्स का बंदा हूं, और अगर कोई कहता हो यार हम 24 घंटे पॉजिटिव रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, मान लो कोई ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो 7 बंदे को चूज कर लो बस। ये बंदा जब भी तुम्हें दिखे इसको कहना तुम्हारे में आज वो बात नहीं दिख रही है जो होती है। टोटल कितने बंदे होने चाहिए? 7। तो पहला बंदा बोलेगा यार आज डिप्रेशन में लग रहे हो, क्या बात कर रहा है यार, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। 5वां बंदा जैसे इसको बोलेगा डिप्रेशन में रहता हूँ यार, सुबह से तबीयत ढीली तो थी मेरी, मतलब मैं कह नहीं पा रहा था किसी के आगे, कुछ नहीं है, माइंड प्रोग्रामड हो गया। समझ रहे हैं आपने क्या? ये है पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग की ताकत है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल आप हैप्पी रखें। लोग आपके ऊपर कभी कभी डाउट कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको जवाब अपनी परफॉर्मेंस ही दीजिएगा, जैसे सचिन तेंदुलकर देता है। हमारे पास जवाब देने का रास्ता या तो जुबान है या परफॉर्मेंस है, राइट और रॉन्ग? तो अपन परफॉर्मेंस से बात करेंगे ना, जुबान से क्या बात करनी, पिक्चर अभी बाकी है, बस कहना रात को सोते समय वॉच मी, पिक्चर अभी बाकी है। ये महावीर त्यागी हैं। अगर आपने गांधी जी की स्टोरी पढ़ी होगी तो महावीर त्यागी जी गांधी जी के असिस्टेंट हुआ करते थे, मैनेजर, उनके साथ सारी जिंदगी काम किया। तो गांधी जी के पास जो लेटर आते थे उसका जवाब महावीर त्यागी देते थे और गांधी जी बस साइन कर देते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक दिन गांधी जी से कहा कि बापू आप पढ़ तो लिया करो। बोले पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो मेरा ही आंसर देगा। बोले नहीं फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। बोले ठीक है चल एक लेटर तू मेरे पास लेके आ भाई, सरदार तू मेरे पास लेटर लेके आ, मैं इसका जवाब लिखता हूँ और तू महावीर त्यागी से लिखवा ले। तो बापू ने जवाब लिखा और त्यागी जी ने जवाब लिखा, दोनों मिल गए। एक हाई क्वालिटी का एम्प्लॉय कंपनी के फाउंडर के विजन के साथ ऐसे ही काम करता है। हेलो, आप मेरे साथ हैं, मैं क्या कहना। अशोक जी जो जवाब देंगे और आप जो जवाब देंगे वो अगर मैच कर रहे हैं, आप अलाइंड हैं। अशोक जी जो अभी सपना देख रहे होंगे ऊपर बैठ के, जहां भी अभी वो हैं, और आपसे मैं आपके सपने पूछूं, दोनों मैच कर गए तो हम विजन की तरफ अलाइंड हैं। आपके सपने अलग हो गए, उनके अलग हो गए तो हम अलाइंड नहीं है। मेरा सपना है मकान बनाना, उनका सपना है ग्लोबल लीडर बनना, तो मैं कहूंगा मैं पहले आपके सपना पूरा करूंगा, आप अपने आप मेरा मकान बनवा दोगे। समझ में आ गया मामला? मैं कहूंगा सर मैं अपना रहने देता हूं, आपका पूरा करता हूं, आपका होगा तो मैं अपना मकान बन जाएगा, ऐसी होगा। तो अपने को कंपनी के विजन पे ज्यादा फोकस करना, पर्सनल ड्रीम अपने आप अचीव हो जाएंगे। विजन के साथ अगर अलाइंड है तो हम ठीक काम कर रहे हैं।